क्या है ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग कि हमारे गैटबी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ गैटबी के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सेक्शन ए होता है और एक आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपको पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चंस एंड दी ए कैरी 1 मार्क। दैट मीन्स व्हाट? 60 मार्क्स का वेटेज होता है हमारे सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आपको पूछे जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, जिसमें से यू हैव टू सॉल्व एनी 60 क्वेश्चंस एंड दीज 60 क्वेश्चंस दे विल कैरी 3 मार्क्स। इसका मतलब 180 मार्क्स हमारे आते हैं सेक्शन बी से। इस तरीके से 240 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है गैट बी का। अगर आपको गैट बी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, आपको एक अच्छा स्कोर लेके आना है, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आप सभी ने टारगेट करना चाहिए 200+ मार्क्स। अगर आप 200 के आसपास स्कोर लेके आ रहे हो, 200 को क्रॉस कर रहे हो, देन इट्स अ गुड स्कोर, ठीक है? तो इतना तो सभी ने टारगेट करना चाहिए। अब कैसे टारगेट करें, कैसे प्लान करें कि कहाँ से हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं, ये आपके मिक्स होते हैं। ये क्वेश्चंस फिजिक्स से होते हैं, केमिस्ट्री से होते हैं, मैथ से होते हैं और बायोलॉजी से होते हैं। तो 15-15 क्वेश्चंस आप लोगों को हर टॉपिक से देखने मिलते हैं। सेक्शन बी जो होता है बच्चों, ये कम्प्लीटली आपके बायोलॉजी से होता है, मतलब कि आपके लाइफ साइंस से आप लोगों को ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप गैट बी के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सभी ने पार्ट बी से पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी में आपका 75% जो वेटेज है आपके पूरे एग्ज़ाम का, वो आपके पार्ट बी में है। तो अगर आपने पार्ट बी में से वो 60 क्वेश्चंस सही सिलेक्ट कर लिए, 100 में से आपको जो 60 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, अगर आपने यहाँ से इसको टैकल कर लिया, मतलब आप 180 का स्कोर ऑलरेडी लेके आ चुके हो। आपको अभी सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आप फिर आसानी से पार्ट ए से टारगेट कर सकते हैं। डोंट टारगेट कि मुझे हर चीज़ हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट हाँ, पार्ट बी को अगर आप आराम से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, तो यहाँ से आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आप 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन को वहाँ से ईजिली ढूंढ सको, ठीक है? और ये क्वेश्चन कैरी करते हैं 3 मार्क्स, बट याद रखना है अगर आपने गलती कर दी तो -1 भी होता है यहाँ से। तो एक्यूरेसी बनाए रखें। आपको लगता है कि आपको 60 नहीं आते हैं, आपको सिर्फ 55 आते हैं, तो उतने ही सॉल्व करो, एक्स्ट्रा 5 मत करना, अदरवाइज नेगेटिव में चले जाओगे। तो इस तरीके से गैट बी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त पहले तो आपने याद रखना है कि आपको सेक्शन बी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेटेज हमारे पार्ट बी में होता है और थोड़ा कम वेटेज हमारे पार्ट ए में है। सो दैट इज़ वाई 1/4 पार्ट ए है, 3/4 पार्ट बी है। तो पहले पार्ट बी को अच्छे से टारगेट करें, उसको सॉल्व करने के बाद फिर पार्ट ए की तरफ बढ़ना, और वहाँ से पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में आप पीसीएम की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रेंथ है या जो भी है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने पूरा 240 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं किया, चल जाएगा, बट जितने आप अटेम्प्ट करोगे उतने सही रखना, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एक बार आपने पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप सबने क्या करना है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस भी एनालाइज करना है। बच्चों, हमारी वेबसाइट के ऊपर में गैट बी के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है, आप लोगों के लिए वीकली स्कॉलरशिप्स टेस्ट हम लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उन टेस्ट को सॉल्व करके देखो। वहाँ पे आप देखो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। टेस्ट देना अलग बात होती है, स्कोर अच्छा आ जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट याद रखो, जब आपके नंबर कम आएंगे, या अगर अच्छा स्कोर भी है बट अगर कुछ आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। ओके, आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम लग जाता है क्या? थ्योरी पढ़ के समझने को बहुत टाइम लग रहा है क्या? अगर क्वेश्चन आता है हमारे एवोल्यूशन का, तो शायद बहुत बड़ी कहानी पढ़ते पढ़ते हम उलझ जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन अगर आता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है समझ नहीं आता है। कुछ सिंपल मैच द पेयर्स होते हैं, ईजीएस्ट टू सॉल्व। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने खुद के बारे में देखना है कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, क्या आपको नहीं आता है, और उन पे आपने अच्छे से काम करना है। अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करो हर मॉक टेस्ट के बाद में,
एनालाइज करो अपनी गलतियों को और देखो कि आपने वो गलतियाँ क्यों की है। टाइम कम पड़ जाता है क्या? ये सारी बातें आपको खुद के बारे में समझ में आएगी। आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, शॉर्टकट ढूंढो। जेनेटिक्स में जो भी आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा बॉक्स हर बार नहीं बनाना पड़ता है। बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं पेडिग्री सॉल्व करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री में जब नॉर्मैलिटी मोलारिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को पूरा बेसिक हर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है। स्कूल्स में स्टेप लिखने के मार्क्स मिलते थे, यहाँ नहीं मिलने वाले। तो आप लोगों को अपनी वो सारी स्किल्स डेवलप करनी है। लेंथी क्वेश्चन है, कैसे उसको रीड करते करते हम एक फ्लो शीट बना सकते हैं और उस फ्लो शीट की हेल्प से हम जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो आपको अपनी खुद की शॉर्टकट टेक्निक्स डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल्स आपको डेवलप करनी है, और ये आप डेवलप कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बच्चों हमारा जो वेबसाइट है ना ifasonline.com, इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। गैट बी के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, सारे PYQs with answers हमारी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जाके PDF से आप लोगों ने सबको देखना है। यही टेस्ट पेपर्स आप लोगों के लिए टेस्ट फॉर्मेट में भी है। आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल टाइम रेस्ट्रिक्ट करके प्रैक्टिस करनी है, तो आप टाइमर लगा के भी ये पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होते चलेंगे। जहाँ पहले उलझ जाते थे, आप उसको बेहतर तरीके से सुलझा पाओगे बाय प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आप रिविजन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बट अपने स्केड्यूल में फिक्स रखो एक टाइम कि मुझे इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हो सके तो आप सुबह सुबह एक काम कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करके आपका माइंड और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और आपका माइंड जो रहेगा वो भी इससे काफ़ी फ्रेश होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, इजी वाले भी, डिफिकल्ट वाले भी, वन लाइनर्स भी, लेंथी वाले क्वेश्चंस भी, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर आपने प्रिपरेशन करते वक्त में कोई टॉपिक मिस कर दिया है, सपोज आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो फाइनल एग्जाम में भी उसके क्वेश्चन को देखना भी नहीं, 15-20 सेकेंड भी आपने उसमें वेस्ट किया तो आप पीछे जा सकते हो बाकी पेपर में। तो आप लोगों को जो टॉपिक पे आपने पढ़ाई की है उसको ही पढ़ना, बाकी किसी भी सवाल में बिल्कुल टाइम वेस्ट आपने नहीं करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैटबी के पेपर में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का होता है कि मैम पेपर बहुत लेंदी आता है। पेपर लेंदी है, ऑफकोर्स आई एग्री, क्योंकि आपको 100 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करेक्ट। तो आपको 100 तो पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से आपको 60 ढूंढने हैं। हो सकता है 100 में से कुछ 5 से 10 क्वेश्चन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, यार ये टॉपिक तो मेरे को नहीं आता है, छोड़ दिया। क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिक क्रोमैटोग्राफी, कुछ अलग ही आपको नजर आ रहा है, लग रहा है ये नहीं पढ़ा है, छोड़ दो सिंपली। बट बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। कभी कभी आंसर्स नहीं आते हैं, कभी हम दो ऑप्शन में स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास अगर टाइम सफिशियंट है तो आपके अंदर वो स्ट्रेस नहीं आएगा और आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आप स्ट्रेस्ड माइंड के साथ जाओगे पेपर सॉल्व करने को, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको लगेगा यार टाइम कहाँ है, और आपको आने वाले आंसर्स भी शायद आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो एक बात को ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास में एग्ज़ाम की कंडीशन, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो एक टाइमर लगा के दो, ताकि आप अपनी स्पीड पे भी काम कर सको। पेस करो अपने आप को, ठीक है, ताकि आप एक अलॉटेड टाइम में पूरा पेपर सॉल्व कर सको। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाए, पूरा पेपर आप रीड ना कर पाओ, बट आपको हैबिट बनानी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक्यूरेसी आप लोगों को करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे मार्क्स हमारे लूज़ हो सकते हैं। तो डबल चेक करें अपने आंसर्स को, मार्क करने के बाद दोबारा चेक करें। अगर आपको कभी ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है, द बेस्ट वे इज़ टू ट्राई दी एलिमिनेशन। जितने आपको लगता है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उसको बिल्कुल क्रॉस कर दो। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करते चलोगे, और वो आपको हेल्प करेगा आपके सही आंसर तक जल्दी से पहुंचने के। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। जितने भी आपको लगता है कि आपके बैचमेट्स से, आपके फ्रेंड्स जो गैटबी को टारगेट कर रहे हैं, जिनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट दे ऑल्सो गेट सम लर्निंग्स, दे ऑल्सो गेट समथिंग कि भाई हमें कैसे पेपर सॉल्व करना है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पे गैटबी का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, गैटबी का पूरा पेपर पैटर्न अवेलेबल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज अवेलेबल है, तो जाइए, वैरायटी ऑफ गैटबी के क्वेश्चंस आप लोगों का वेट कर रहा है, जाके उन सबको सॉल्व करके देखिए, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो ट्राई करो खुद से, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। पढ़ाई रिविजन वन थिंग बट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज़ अनदर थिंग, ये आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से करना है। स्टडी एंड गेट योर सेल्फ अ सिंगल डिजिट रैंक टू गेट हियर, और आप बहुत जल्दी अपने आप को यहाँ पे देख पाओगे, विच विल मोटिवेट ऑल दी अदर स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड एंड कम हियर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।